हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आशमा परवीन। हम DL.ED फोर्थ सेमेस्टर का कोर पेपर EDU 8 शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रबंधन एवं नियोजन के अर्थ और उसके महत्व एवं आवश्यकता को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट के अर्थ को जानेंगे। विद्यालय प्रबंधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों के नियोजन, निर्देशन और समन्वयन करने को ही प्रबंधन कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, किसी भी संस्था के विकास के लिए निश्चित लक्ष्यों तक पहुंचा जाता है, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों के नियोजन, निर्देशन एवं समन्वयन करने को ही प्रबंधन कहते हैं। मतलब संस्था के विकास के लिए जो हमारे सामने लक्ष्य हैं, उन्हें निश्चित संसाधनों से इस तरह से नियोजित, निर्देशित और एडजस्ट करके चला जाता है कि हमारे अधिक से अधिक लक्ष्य पूर्ण हो। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षक प्रक्रिया आदि निहित है। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे संसाधन हैं। किसी भी स्कूल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ये लिमिटेड संसाधन है और इन संसाधनों को नियोजित करके इस तरह से प्रबंधन करना कि हमारे स्कूल के ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य पूर्ण हो और हमारे स्कूल का विकास हो। इन सभी संसाधनों को गतिशील बनाने, मतलब कार्यरत करने के लिए प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। विद्यालय प्रबंधन एक जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देती है, संचालित करती है एवं नियंत्रित करती है। मतलब प्रबंधन विद्यालय को जीवन देने वाली वह शक्ति है जो पूरे संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा पावर देती है, एक्स्ट्रा शक्ति देती है, संगठन को सुचारू रूप से चलाती है, एक पूरे संगठन को कंट्रोल करके चलती है। आगे बात करते हैं प्रबंधन प्रक्रिया की। ये पूरा प्रोसेस, पूरे प्रबंधन का प्रोसेस कैसे चलता है? हमारा प्रबंधन प्रक्रिया जो चलती है वो 5 चरणों में चलती है। नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन व नियंत्रण। सबसे पहले बात आती है नियोजन की, जिसमें कार्य की योजना बनाई जाती है। मतलब किसी कार्य को कब, कहाँ, कैसे, किन संसाधनों से किया जाए, इसकी एक पूरी रूपरेखा नियोजन के अंतर्गत ही बनाई जाती है। जैसे कि आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं, तो स्टूडेंट्स एक योजना बनाएगा कि किस सब्जेक्ट को उसे पहले पढ़ना है, किस यूनिट्स को पहले देखना है, किस टाइम पढ़ना है किस सब्जेक्ट को, ये सब एक प्लानिंग के अंतर्गत करेगा। तो यही स्कूल प्रबंधन में भी देखा जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण, जो पहला प्रोसेस है, वो है नियोजन, काम की योजना बनाना। नेक्स्ट है संगठन। किसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों या व्यक्तियों के मैत्रीपूर्ण संयोजन को ही संगठन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल में कोई फंक्शन है, एनुअल फंक्शन कोई ऑर्गेनाइज करना है, तो हम इस फंक्शन से रिलेटेड सभी कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सभी टीचर्स में ये काम बांट देंगे कि किस शिक्षक को कौन सा काम करना है और मैत्रीपूर्ण ढंग से करना है, आपस में सहयोग करके करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों को पूर्ण करना है। ये आपस में संगठन के कारण ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी संस्था के प्रशासन का काम कार्य से संबंधित व्यक्तियों को उनकी रुचि क्षमता के अनुसार कार्य वर्गीकृत करना होता है। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेस पर्सन हैं, उन्हें काम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि उसमें उनकी रुचि और क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर विद्यालय में किसी शिक्षिका की गाने में रुचि है, तो हम उसे म्यूज़िक पीरियड्स दे सकते हैं। किसी साइंस टीचर्स को तो हम म्यूज़िक की पीरियड्स नहीं देंगे, क्योंकि उस शिक्षिका की, उस टीचर की गाने में रुचि है, वो उस काम को अपनी रुचि के अनुसार अच्छे से कर सकती है, इसलिए हम उसे वो कार्य देंगे। ये था हमारा प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है निर्देशन, मतलब
डायरेक्टिंग मतलब प्रशासन के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, तथा व्यक्ति भी अपना कार्य उसी निर्देशन के आधार पर करते हैं, उसी डायरेक्शन में करते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि फिल्म का डायरेक्टर निर्देशक जो होता है सभी कैरेक्टर्स को ये बताता है कि किस कैरेक्टर्स को क्या डायलॉग बोलने हैं, क्या एक्टिंग करनी है, कब कौन सा काम करना है, ये सब होता है डायरेक्शन। लास्ट है नियंत्रण या कंट्रोलिंग। संपूर्ण प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमने प्लानिंग की है, संगठन किया है या निर्देशन दिया है, यह सभी काम जिस प्रकार दिए गए हैं उस प्रकार से सुचारू ढंग से हो रहे हैं या नहीं, वही नियंत्रण कहलाता है। जो हमने जो सारी प्रबंधन प्रक्रिया की है कि उनके अनुसार काम हो रहा है या नहीं, मतलब सभी प्रक्रिया कार्यों को नियंत्रित करते हुए लक्ष्यों तक पहुंचना नियंत्रण कहलाता है। ये था हमारा प्रबंधन प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।